नमस्ते दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं एसजी स्पेशल दही भल्ले, जिसमें ना ही हरी चटनी की जरूरत है, ना ही खट्टी मीठी चटनी की, और स्वाद लाजवाब। सबसे पहले हम करेंगे भल्ले की तैयारी, जिसके लिए चाहिए हमें उड़द की दाल 1 कप, काजू, किशमिश, हरी मिर्च, हरा धनिया और नमक। हमने दाल को 3 घंटे के लिए भिगो देना है। अब हमारी दाल 3 घंटे भीग चुकी है, इसको हमने धो के अच्छी तरह से अब पीसना है। अब हमारा बैटर तैयार हो चुका है, इसमें हम डालेंगे काजू, किशमिश, हरी मिर्च, हरा धनिया और नमक। अब हम इसको अच्छी तरह से हिलाएंगे। अब हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब हम भल्ले तलेंगे। पहले हम ये जो फ्लेम है उसको लो टू मीडियम करेंगे। अब देख रहे हैं कि हमने इसकी थिकनेस कितनी रखी है। अब हमने ये ब्राउन होने पर इसको पलट लिया है, ये पूरा देखिए ब्राउन सा आ गया है कलर इसका, देखिए। अब इसको हमने आराम से निकाल लेना है धूप में, और कोई लोग इसको गर्म पानी में डाल के करते हैं, पर मैं अपना जो है गर्म गर्म जो है दही भल्ले बिल्कुल प्लेन पानी में, ये देखिए मैंने कोई पानी गर्म नहीं किया है, मुझे इसको जो है ऐसे ही इसको निकालना है बीच में से। ये मैं 5 मिनट तक पड़े रहने दूंगी इसमें, तब तक मैं दूसरे भल्ले तलने की तैयारी करूंगी। अब मैंने भल्लों को जो है बहुत हल्का हल्का सा निचोड़ के रखते जाना है। देखिए अब कितने सॉफ्ट, बहुत ज्यादा सॉफ्ट तैयार हो चुके हैं। अब इसको हम ठंडा होने के लिए थोड़ी देर के लिए रख देंगे, उसके बाद हम दही में डालेंगे। हमें गार्निश करने के लिए थोड़ी सी पकौड़ियाँ चाहिए, इसलिए हमने 2 चम्मच बेसन लिया है, उसमें हम हल्का सा नमक डालेंगे। ग्लूटेन फ्री बेसन है, इसको हमने जो है मिक्स कर लिया है, और हमने ये पकौड़ी बनानी है। ये देखिए अभी मैं पकौड़ी बना रही हूं। हमारी पकौड़ी तैयार हो चुकी हैं, अब हम दही का तैयारी करेंगे, जिसमें हमने डाली है चीनी, काली मिर्च, भुना हुआ जीरा और ये पुदीना जो है पिसा हुआ है, और हल्का सा नमक। ये जो आपको हमने बताया था कि हमारी ये जो दही भल्ले हैं तैयार हो रहे हैं, इसके लिए ना हमें पुदीने की चटनी की जरूरत है,
ना ही मीठी चटनी की, क्योंकि हमने इसमें सब कुछ डाल दिया है। और अब हमें गार्निश करने के लिए अनार, हरी मिर्च और पकौड़ी। अब हम इसमें भल्ले डालेंगे। और उसके बाद दही, और गार्निश करने के लिए अनार, पकौड़ी, हरी मिर्च और ये थोड़ी सी काली मिर्च और नमक। देखिए कितने स्वादिष्ट सॉफ्ट भल्ले तैयार हैं।